Have it ready? Yes, sir. तो स्मूथ सरफेस है, 2 mm का मास, ये एक साथ चल रहा है और ये कंप्रेस नहीं, अनडिफॉर्म्ड है, नेचुरल लेंथ से। ये इसी इक्वल है, ये मूव करेगा तो ये इससे टकराएगा पहले मोमेंटली, सेम मास है। जब सेम मास है तो अब देखो क्या केस होगा, जब सेम मास की बॉडी इलास्टिक कोलिजन करती हैं, सेम मास की बॉडी तो मैं अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर देती हैं, यू नो, यस सर, तो खुद रेस्ट में आ जाएगी। सी बी खुद रेस्ट में आएगी और इस सेम स्पीड से वी से वो चल पड़ेगी आगे। ये मोमेंट है और टकराने वाला मोमेंट बी जीरो हुआ है बस, और ए उसी स्पीड से, इसके बाद ये तो चल जाएगा आगे, बट ए बॉडी जो आ रही है ये अब इस स्पीड में कंप्रेस करेगी, इस साथ साथ बी फिर दोबारा आगे चल पड़ेगी, और ए की स्पीड जब तक बी से ज्यादा रहेगी कंप्रेशन कंटिन्यू रहेगा, और दोनों की स्पीड सेम होते ही कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद बी की स्पीड बढ़नी शुरू होगी तो कंप्रेशन फिर लूज होना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन का स्टेट कौन सा होगा, जब दोनों की स्पीड जीरो एक जैसी हो जाएगी, जीरो कैसे हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी, यानी कि ये चल जाएगा कि वो ये तो कॉन्स्टेंट स्पीड जाता रहेगा, इसे तो छोड़ो, ये ब्याह के चलेगा, ये तेज चलेगा थोड़ा, और मैक्सिमम कंप्रेशन केस में ए मैक्सिमम कंप्रेशन बी दोनों की स्पीड पहले भी जाएगा, अब मान लो वी डैश हो जाएगी, जैसे दोनों की स्पीड सेम होगी तो समझ जाओ कंप्रेशन मैक्सिमम के, क्लियर, क्या जानना चाह रहा है वो, निकालना क्या इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन, बस तो पहले मोमेंट कंजर्व कर लो, मोमेंट कंजर्व से इसके टकराने के बाद, ये तो पहले से मोमेंटम कंजर्व है, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, पर इस सिस्टम की बात करो, ये इस सिस्टम की, इस घटना के तुरंत बाद, इस घटना तुरंत कॉलिजन के तुरंत बाद से लेके अब तक, इससे मोमेंटम कितना मोमेंट हटली इसके आगे जाते ही, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2m × v उसका जीरो जस्ट टकराते लास्ट में 2m v′ + m v′ 3m v′ 2m v v′ is 2v/3 ये चल रहे हैं समय 2v/3 से चल रहे हैं। ओके अंत में क्या ले देना चाहिए उन्हें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बस कहां खत्म करें, गैस मैकेनिकल एनर्जी इस वक्त इस मोमेंट में 1/2 m है 2m और v स्क्वायर, ये कांड गया थी इसमें वो मोमेंटली रुक चुका था, शुड बी इक्वल टू इस केस में 1/2, अब एक ही बॉडी बन जाएगी ना, यस सर,
हाफ थ्री एम और वी डैश स्क्वायर और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। सुना गया? यस सर। ये कहानी है जी, इसको आगे बढ़ा के कंप्रेशन निकालना ना, मैक्सिमम कंप्रेशन। यस सर। इसको आगे बढ़ाइए तो ये टू कैंसिल, एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बाई टू एम, थ्री बाई टू एम वी डैश स्क्वायर फोर बाई नाइन वी स्क्वायर, फोर बाई नाइन वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। यस सर। दिखा दे रहा किलर? तो yes, हाफ के एक्स स्क्वायर सेपरेट करना है और उसको ले लीजिए, टू टू जा फोर और थ्री थ्री जाना है एम वी स्क्वायर और माइनस टू बाई थ्री एम वी स्क्वायर, तो वन बाई थ्री बच जाएगा, वन बाई थ्री एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर टू बाई थ्री एम वी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? टू एम वी स्क्वायर अपॉन थ्री के। यस सर। सो एक्स मैक्सिमम कंप्रेशन इज अंडर रूट टू एम अपॉन थ्री के और वी स्क्वायर का भी हो जाएगा। क्या ऑप्शन है? यस। सही है? यस सर। यस सर सही है। तो बात सुना आगे, अगर सिस्टम की एनर्जी लोग सिस्टम की, तो इसका एम इन टू वी पहले भी आएगा बाद में भी आएगा, और काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर पहले भी आएगी बाद में आएगी, तो बिगड़ जाएगी। इस कारण हम उसको ले ही नहीं रहे, जैसे टकराने के बाद सी अलग हट गया उसके बाद हम ए और बी के बारे में सोच रहे हैं, पहले मोमेंटम कंजर्व फिर मैग्नेटिक एनर्जी कंजर्व। और एक महान कॉन्सेप्ट कि जब तक इनकी स्पीड अलग अलग रहेंगी, या तो कंप्रेशन कंटिन्यू रहेगा या वो कंप्रेशन लूज होना शुरू हो जाएगा, और जब दोनों की स्पीड एक जैसी हो जाएगी तो वो मोमेंट होगा मैक्सिमम कंप्रेशन का। इट्स ओके? जी सर। ओके नोट नाउ।